ग्रेजुएशन आपको प्लेसमेंट मिलने की भी सुविधा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कहा जाता है कि अगर एक लड़के को शिक्षित करो तो सिर्फ एक घर शिक्षित होता है, और एक लड़की को शिक्षित करो तो पूरा समाज, पूरा परिवार शिक्षित होता है। और उसी के तारतम्य में हमारी डायरेक्टर हसीना मैम, हमारे सर फाउंडर मैनेजर सर डॉक्टर अजमत अली सर, उनके प्रयासों से अगर आप इस कैंपस में एडमिशन लेते हैं प्ले ग्रुप में, तो आप कंप्लीट ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही कैंपस में इतने सारे एजुकेशन चल रहे हैं आपके पास। अगर आप प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं तो बीएड और बीटीसी भी अवेलेबल है, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं कैंपस अलग है, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूशन के अंडर में है, ये नहीं कि आप सिर्फ एक कॉलेज के अंदर में आपने एडमिशन लिया है, तो आपके ऊपर जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की छत है। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और अब क्लब्स को इन्वाइट करते हैं। आपके कॉलेज में क्लब्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो है हम 6 क्लब्स को लेकर के चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ कल्चरल क्लब की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनु सिंह। थैंक यू डॉक्टर श्वेता मैम। मैं डॉक्टर अनु सिंह, कल्चर क्लब कोऑर्डिनेटर, इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के विभिन्न संकाय के एचओडीज, वाणिज्य विभाग के एचओडी डॉक्टर एपी सिंह, साइंस विभाग के एचओडी डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव तथा अन्य शिक्षकों और सभागार में उपस्थित मेरी नई छात्राएं, जो कि बीए, बीएससी और बीकॉम में जिन्होंने एडमिशन लिया है, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कल से चल रहा है और आप सब बड़े उत्साहित होकर इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे महाविद्यालय की बहुत सारी कार्यक्रम के बारे में आपको कल से पता चल रहा है कि क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, इसी क्रम में हमारे अभी डॉक्टर स्मिता मैम ने बताया कि बहुत सारे हमारे क्लब्स हैं, उस क्लब के अंतर्गत मेरा एक क्लब है कल्चरल क्लब। कल्चरल क्लब की तरफ से मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस क्लब में क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी तक हुई हैं या आगे होंगी, इसके बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। साथ में अपने क्लब के जो सदस्य हैं उन सदस्यों से भी आपको मिलने का अवसर मिलेगा इस क्लब के, और जो भी इस क्लब में रुचि रखता है, आप लोग अलग अलग कॉलेजेस से आए हुए हैं, इंटर कॉलेज में आपने सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होगा, इसी तरह हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर होते हैं। कल्चरल क्लब के द्वारा सिंगिंग कॉम्पिटिशन, सोलो सिंगिंग, डांस, इसके अलावा जो और कॉलेजेस हैं, जैसे आईटी कॉलेज में एक ओरा प्रोग्राम हुआ था, उस ओरा जो उनका फेस्ट था उस पर हमारे कॉलेज की तरफ से एक फैशन शो का आयोजन, फैशन शो में भी पार्टिसिपेशन किया गया था, और वो फैशन शो वेस्ट मटेरियल पे था, उसका जो थीम था। इसके अलावा केकेसी है, केकेवी है, मुमताज़ कॉलेज है, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमारे बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया है। और जो भी इसमें आप लोगों में से जो भी इसमें भाग लेना चाहेगा वो बढ़ चढ़ कर भाग ले सकता है। इसके अलावा हमारे कॉलेज में फ्रेशर होता है, फेयरवेल होता है, हमारे कॉलेज का एक फेस्ट है उड़ान, पहली बार हमने वो उड़ान जो है वो वुमन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण की थीम पर वो उसका एक थीम रखी थी हमने, और दूसरी बार जो हुआ था वो ट्रांसजेंडर, उसकी थीम थी ट्रांसजेंडर। तो समाज की बहुत सारी ऐसी समस्याओं को केंद्र में रखकर भी हम कल्चरल क्लब भी जो है इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ नुक्कड़ है, स्किट है, और बहुत सारे ऐसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हैं जिसमें हमारे बच्चे
बच्चों ने पार्ट लिया है और बहुत से वो प्राइज लेकर भी आए हैं। तो मेरी यही इसी क्रम में मेरी ये एक आपसे सबसे एक वो है कि आप सब लोग जो भी पढ़ाई के साथ साथ देखिए पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी जरूरी होता है, जिसकी भी रुचि इस क्लब में है वो यहाँ पर आ सकता है। इस क्लब में जो हमारे क्लब स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं PPT के माध्यम से अपने इस क्लब की थोड़ी सी ऐसी जो पूर्व में छात्राओं ने जिस उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया है उसकी उस झलक आपको देखने को मिलती है। मेरे से आपका परिचय हो गया है, मैं डॉक्टर अनु सिंह अभी सर रोक लीजिए, मैं अभी अपने क्लब के सदस्यों से आपका परिचय भी करवा देती हूँ ताकि आप लोग उनको पहचान लें। हमारी वरिष्ठ जो सदस्य हैं क्लब की डॉक्टर समर्पणा अवस्थी, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। उसके बाद डॉक्टर नीता श्रीवास्तव, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव भी अभी है नहीं, मैं समर्पणा मैम डॉक्टर गुलशन मशरत वो भी नहीं है, मिस आफरीन, ये हमारे क्लब के मेंबर्स हैं और हमारी क्लब की स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं साक्षी दुबे। चलिए सर आगे, ये देखिए दशहरे के मौके पे हम लोगों के यहाँ रामलीला का बच्चों ने एक छोटा सा एफर्ट किया था सर, ये रंगमंच ये स्किट है, ये अंतरंग जो है ये हमारा ये इंटर कॉलेज फेस्ट पे जो विनर्स हैं उनका है, कवाली का आयोजन किया गया था, ये स्किट है उड़ान जो कॉलेज फेस्ट हुआ था उसमें बच्चों ने स्किट में पार्टिसिपेट किया था, ये रासलीला डांस परफॉर्मेंसेस हैं डांडिया का, शिव तांडव का आयोजन भी किया गया था यहाँ, ये हमारी पूर्व की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इरा रस्तोगी जी, बच्चों के साथ पंजाबी डांस सिंगिंग कंपटीशन, ये हमारी डायरेक्टर मैडम है बीच में मिसेस हसीना अजमल, ये फेयरवेल पार्टी का है और ये उस समय के कुछ ऐसे क्षण हैं जो खुशी के क्षण हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम भी कुछ बढ़कर आगे करें, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गाते भी होंगे, और ये हमारी पूर्व की प्राचार्य और ये हमारे प्राचार्य जी हैं। चलिए धन्यवाद, बाकी जिन बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना हो वो साक्षी दुबे उसने शायद कल आपको कुछ बता भी दिया था आज के बारे में, थोड़ी सी एक्टिविटीज हैं जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आकर उनके पास अपना नाम लिखवा लें। ठीक है, कोई है इसमें जो गाता भी है, दस हाथ खड़ा कर दो, गुड। चलिए धन्यवाद, थैंक यू मैम डॉक्टर ऋतु मैम डॉक्टर मैम थैंक यू मैम।
Now I would like to invite coordinator of arts club Dr. Samarpana Awasthi. Hello, very good morning to here present all faculty members and my dear student. I, Dr. Samarpana Awasthi, coordinator of arts club, welcome you all in my club. I am here to introduce arts club. This club is open for all students and new members are always welcome. Somebody says, art is the desire of man to express himself, to record the reactions of his personality to the world he lives in. Kala kuch aur nahi, ye to sirf ek tarika hai apne hunar ko pradarshit karne ka. Ye club samay samay par workshop, training session ayojit karta hai, जिससे कि हमारी छात्राएं प्रतिभाशाली बने। अब मैं आपको पूर्व में छात्राओं ने जो इस क्लब में एक्टिविटीज की हैं, उनकी कुछ झलकियां पीपीटी के माध्यम से दिखाऊंगी। सर प्लीज। सबसे पहले अब मैं आर्ट्स क्लब के मेंबर से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, जिससे कि आपको पता चल जाए हमारे आर्ट्स क्लब में कौन कौन से मेंबर्स हैं। डॉक्टर गीतिका मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। डॉक्टर तरन्नुम सिद्दीकी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मिसेस शबाना खान, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। वर्षा शर्मा, और से देख लो इशारों को, यही तुम्हारे आर्ट क्लब में काम आएंगे, ठीक है? गांव के भीतर जो प्रतिभा छुपी रहती है उसको प्रदर्शित करना है, और ऐसा नहीं है हमारी जो छात्राएं हैं कुछ ना कुछ चीजों में वो पारंगत होंगी, जैसा कि इस क्लब में मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, कुकिंग कंपटीशन, इस तरीके के कंपटीशन करवाए जाते हैं। ये आप एक्टिविटीज देख लीजिए, ये हमारी पूर्व छात्राओं ने बनाए हैं। ये देखिए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हैंडमेड ज्वेलरी, हैंडमेड दियास, क्राफ्ट मेकिंग, पेंटिंग्स, रंगोली कॉम्पिटिशन्स, कुकिंग कॉम्पिटिशन, इसमें कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाते हैं जिसमें कि जज आते हैं जो कि हमारी छात्राओं को मार्ग प्रदर्शित करते हैं। मेहंदी कॉम्पिटिशन जो कि आज लास्ट में एक्टिविटी, अगर टाइम होगा तो आज ये एक्टिविटी करवाई जाएगी आपको। प्राइज एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ
तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाते हैं, जिससे कि हमारी छात्राओं के अंदर मोटिवेशन एक बना रहे। कैरियर ऑप्शंस इसमें ये भी है। अब जैसा कि मैं होम साइंस की हेड हूँ, तो इसमें आपके कैरियर ऑप्शंस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको होम साइंस में भी मैं बताती हूँ, लाइक टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में भी होता है, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें आपके पास में लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस की भी अपॉर्चुनिटी रहती है, जो कि आप अपना सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं, बुटीक भी डाल सकते हैं और कोई एनजीओ वगैरह के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए बहुत सारी कैरियर ऑप्शंस भी होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे हमारे समझ गए होंगे कि आर्ट्स क्लब में किस तरीके की एक्टिविटीज होती है, और जो भी नंबर है आपको अगर किसी में भी एनरोल करवाना हो तो आप जो भी नंबर से अभी मैंने कहा है BSc, BA आर्ट्स, वो सब अपने नाम दे सकते हैं। थैंक यू। जब आपके गेस्ट आए अब कोऑर्डिनेटर ऑफ लाइफ क्लब टू प्रेजेंट हर PPT प्रेजेंटेशन। थैंक यू रितु मैम। आई एम हियर टू से फ्यू वर्ड, इंट्रोडक्टरी वर्ड अबाउट लाइफ क्लब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर लाइफ क्लब। वेलकम यू ऑल HODs डॉक्टर AP सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, HOD डॉक्टर अनु सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, ऑल टीचर्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग कैबिनेट मेंबर्स। Today we are gathered here to welcome you all, and I want to tell you about Life Club. First of all, I want to introduce with Life Club members, Dr. Ismita Shukla, Dr. Ira Rastogi, Dr. Sargam Singh, Mr. Alok Kumar, डॉक्टर बंदना सिंह। गौर से देखिए इन चेहरों को, गौर से पहचान लीजिए, ये सारे आपके लाइफ क्लब के मेंबर्स हैं। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा जो आपके बीच से है, आशिता सिंह, हमारी लाइफ क्लब रिप्रेजेंटेटिव। ये चेहरा छोटा है लेकिन काम बहुत करता है, बहुत इफेक्टिव चेहरा है, ये छोटा सा चेहरा है बहुत इफेक्टिव है, और आपके बीच का ये चेहरा है। तो हम चाहते हैं कि कमिंग सेशन में आप लोग भी यहाँ पर आए। आप जरा तेज से बताओ, सारे चेहरे पहचान गए हो? Yes, सब पहचान गए हो? Yes, अभी आधों की आवाज नहीं आई, कोई इंटरेस्ट नहीं लाइफ क्लब में। लाइफ क्लब की वजह से ही जिंदा हो, है ना? अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो लाइफ नहीं होगी। द मेन एम ऑफ लाइफ क्लब इज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स इको अवेयरनेस, मेंटेनेंस ऑफ ग्रीनरी अराउंड द कॉलेज by various plantation. The greatest threat to our planet is a belief that someone else will save it. This is the only club that focuses exclusively on the environmental aspect, and the volunteers from this club do their best to preserve the greenery. The Life Club is actively involved in promoting awareness
थ्रू पोस्टर प्रेजेंटेशन, क्विज, प्लांटेशन, स्लोगन राइटिंग एक्सेट्रा. लाइफ क्लब ऑफ अवर कॉलेज ऑर्गेनाइज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी टू हाईलाइट द नीड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ डिटोरिएटिंग एनवायरमेंट. द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल दैट इज 22nd अप्रैल वॉज द अर्थ डे टू ट्रिब्यूट अवर मदर अर्थ. 5th जून दैट इज एनवायरमेंट डे. जुलाई 28th इज ऑब्जर्व एनुअली एज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे. एंड we are also celebrated water conservation day. In the series of these activity, I'd like to introduce you all with PPT. Fifth June plantation हम लोगों ने करवाया था environment day पे. Poster presentation और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों को इसमें टूर भी करवाया जाता है. एक PSIP टूर भी हम लोग ले गए थे बिफोर लास्ट ईयर. इसमें सबके कान हो गए होंगे शुरू. आवाज आ गई? अब आ गई. अभी तक पूछ रहे थे पहचान लिया? नहीं. पार्टिसिपेशन करना है? नहीं. टूर पे कौन कौन जाना चाहता है? ये देखिए, वेरी नाइस. सारे टूरिस्ट ही बैठे हैं, सब टूरिस्ट हैं. लेकिन वही वही जाएगा जो लाइफ क्लब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा होल ईयर. इसीलिए हम लोग जब साल बिल्कुल खत्म होने लगेगा सेशन, उसके बाद ही ले जाएंगे. देखते जाइए योगा डे, इसमें भी पार्टिसिपेट करना है. इस योगा डे की खास बात यह है कि सर केवल खड़े होकर पढ़ाई करनी है. ठीक है, देखो सर बैठ के पढ़ाई भी करेंगे आगे. पढ़े लखनऊ भी है. ये वर्ल्ड योगा डे 2019 में मनाया गया था. ये 21 का वर्ल्ड योगा डे है. इसमें टीचर्स और स्टूडेंट सभी पार्टिसिपेट करते हैं. और ये सबसे स्पेशल PSIP टूर. PSIP की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? नहीं पता है. पहले सारे इंस्टीट्यूट समझ के आना. जितने लोग टूर पे जाना चाहते हैं सब प्लांटेशन करना सीखो, लाइफ क्लब से जुड़ी हुई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद फिर सब टूर पे जाएंगे. ठीक है, अब हम लोग एक क्विज कराना चाह रहे हैं एक्सटेम्पोर, जिसमें आप लोग विलिंग हो. आशिता सिंह रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लाइफ क्लब की, उसके पास अपना नाम दे सकते हो. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू अर्चना मैम. नेक्स्ट हमारे लिटरेरी क्लब में मैं डॉक्टर रितु सक्सेना, कोऑर्डिनेटर ऑफ लिटरेरी क्लब एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, उनको इनवाइट करती हूँ फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ लिटरेरी क्लब. आज क्लैपिंग क्यों नहीं हो रही है भाई? अभी तो सुबह स्टार्ट हुई है मॉर्निंग. थैंक यू स्मिता मैम. I, Dr. Ritu Saxena, coordinator of Literary Club, welcome you all in this club. First of all, I will like to tell you that Literary Club, it has been an active club for several years in our college. And it is a place where students can read and write, where they can share their insights on various issues. So the club functions with the aims like to induce reading habits in students and to become inculcate students as orators to display their intellectual and independent thinking skills. Now, I would like to request our team members to please come here. First of all, I would like to invite Dr. Anu Singh. Dr. Farzana Sharafat, Dr. Shweta Mishra, Ms. Sanya, and there is one more member in our club, Ms.
Yashika, but she is on leave. So a huge round of applause for our team members. And also student representative of Literary Club, Vanshika Singh. Thank you, teachers. Now let's have a glance of our club through PPT. From time to time, several activities are being organized by this club, like quiz competition, essay writing, poetry recitation, debate competition, and workshops. Like, first of all, the events conducted is quiz competition. Secondly, we have also essay writing competition, which is being organized, and mostly in it the teacher assigns the topic for you. Then we have poetry recitation competition, in which you can recite poetry. It can be self-written as well as you can recite a poem by any poet. Next, we have also conducted debate competition, which is a very valuable activity for students, and it builds confidence in students. Next, regular workshops on career counseling are being organized by this club, and these workshops, they offer a chance to expand your knowledge. We have also organized guest lectures on career options after graduation. And recently, we have organized and celebrated International Literacy Day, which is celebrated on 8th of September every year. And most important, the winners of various competitions are being awarded by our club. For registration, you can contact the following members of our club. For BA, you can contact me. For BCom, you can contact Ms. Sanya. For BSc, you can contact Dr. Shweta Mishra. And my special thanks to our principal, Dr. Deepak Kumar Srivastava, for his enthusiastic support in all his events. So as Literary Club believes that true education goes beyond the textbook, I, being the coordinator, once again welcome you in this club and ask you to participate in various events conducted so that we can witness the showcasing of the talents of young minds. Thank you. Now I would like to invite Dr. Smita Shukla, coordinator of Red Ribbon Club. रेड रिबन को क्रॉस टाइप किस तरीके से आपने देखा है, तो ये रेड रिबन का यूज क्या है और रेड रिबन क्लब की क्या जरूरत पड़ी? एक्चुअली रेड रिबन जो है वो अवेयरनेस के लिए ये टैग किया जाता है. सिंबल है सॉलिडिटी ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी और एड्स. बेसिकली इसको एचआईवी और एड्स के लिए शुरू किया गया था. इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, ये फ्री फ्रॉम कॉपीराइट है, इसलिए इस रिबन को कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी कोई यूज कर सकता है. द रेड रिबन प्रोजेक्ट वॉज क्रिएटेड बाय न्यूयॉर्क बेस्ड एड्स आर्टिस्ट कॉकस इन 1991. एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया. Remain anonymous as individuals and to credit the visual aids artist Caucus as a whole in the creation of the Red Ribbon projects and not to list any individuals as the creator of Red Ribbon projects. Keep the image copyright free so that no individual or organization would profit from the use of Red Ribbon Club. इसलिए anywhere in the world आप use कर सकते हैं, जैसे आज हमने यूज किया है, हमारे क्लब मेंबर्स ने यूज किया है. द रेड रिबन क्लब
should be used as a conscious raising symbol, not as a commercial and trademark tool. The artist who formed the visual aids artist, Cocker, wished to create a visual symbol to demonstrate compassion for people living with AIDS and their caregivers. Inspired by the yellow ribbons honoring American soldiers serving as the Gulf War, the color red was chosen for it. Why the color red? Connection to blood and the idea of passion. Not only anger, but love, like as Valentine. The red ribbon become removed as an international symbol of AIDS awareness. The Red Ribbon Club is a movement started by the government India in schools, college, through students will spread awareness over HIV or AIDS. It envisages to visit the charity mind among all the students to extend their able help towards developing healthy lifestyles, donating blood to all the needy by promotion of regular voluntary blood donation. इसीलिए बेसिकली कलर का रिबन का जो कलर है वो रेड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए शुरू किया स्कूल्स और कॉलेज लेवल पे जिसमें आप स्टूडेंट्स दूसरों की हेल्दी लाइफ के लिए अपनी हेल्दी लाइफ के लिए अवेयर रहें और बहुत सारी चैरिटी जो इवेंट्स हैं उसमें इन्वॉल्व हों बेसिकली ब्लड डोनेशन में. इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं टू क्रिएट एन अवेयरनेस एंड टू इंड्यूस द स्पिरिट अमंग यूथ like you to help and support people like living with HIV AIDS, thereby reduced stigma and discrimination, and to motivate youth and build their capacity as per educate and change agents by developing their skill on leadership, negotiation and team building. To promote voluntary blood donation among youth and the organizing health related seminars, rallies, create and train among the youth a cache of per educator for spreading awareness about HIV AIDS and its promotion in the community. और हमारे कॉलेज में एवरी ईयर हम ये रेड रिबन क्लब के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. सम अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक ऑन 1 दिसंबर इट्स एड्स डे जिसको पूरा विश्व मनाता है. और वो क्यों मनाता है? एड्स डे मनाने का मोटिव ये है कि जितने लोग एड्स से पीड़ित हैं आज भी या पहले जो हो चुके हैं उनके लिए हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस वजह से हम एड्स डे को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, एड्स डे सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं. योगा प्रोग्राम जैसे अभी लाइफ क्लब मेंबर ने बताया और रेड रिबन क्लब भी ऑर्गेनाइज कराता है योगा प्रोग्राम भी. समटाइम्स हमने डॉक्टर्स को भी इन्वाइट किया है कॉलेज में फॉर जैसे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, उस टॉपिक के ऊपर डॉक्टर भूमिका बंसल फ्रॉम द अपोलो मेडिकल कॉलेज वहाँ से इनको इन्वाइट किया गया था. कोरोना पीरियड में हमारे स्टूडेंट्स से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को अवेयर करने का प्रोग्राम चलाया था. साथ ही हमारे वो जो मेंबर्स हैं क्लब मेंबर्स समय समय पे अपनी ड्यूटीज फुलफिलिंग करते रहते हैं विद हार्ड वर्किंग. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मेंबर्स ऑफ रेड रिबन क्लब, डॉक्टर रितु सक्सेना फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, Ms. Sania Sheikh from the Commerce Faculty, Mr. Mehtab Alam from the Department of Maths, Dr. Kalpana Singh from Department of Physics, and Coordinator Student Sangeeta Joshi. Thank you teachers, thank you Red Ribbon Club members. Next आइए हम slides देखते हैं जो programs मैंने आपको बताए हैं.
डायबिटिक चेकअप कैंप लगाया हुआ था कॉलेज में, एड्स डे प्रोग्राम ऑन 1st दिसंबर, लास्ट ईयर कोरोना की वजह से कॉलेज ओपन नहीं था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मनाया था ये। Spread. Sex without protection, pass from mother to baby, sharing injecting equipments, contaminated blood transfusion or organ transplant. What is AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome is caused by a HIV virus that destroys the body's ability to fight infection. What is World AIDS Day? World AIDS Day takes place on 1 December each year. It is an opportunity for people worldwide to unite in the fight against HIV, to show support for people living with HIV, and to commemorate those who have died from an AIDS-related illness. Founded in 1988, World AIDS Day was the first ever global health day. HIV is human immunodeficiency syndrome, which attacks us, that cuts our body from infection and making body more vulnerable to infection and other diseases. What is World AIDS Day? World AIDS Day takes place on 1 December each year. It is an opportunity for people worldwide to unite in the fight against HIV, to show support for people living with HIV, and to commemorate those who have died from an AIDS-related illness. Founded in 1988, World AIDS Day was the first ever global health day. Let us control and extra means to spread the world against HIV AIDS. By all this precaution, we can control this disease, so let's make it possible. To prevent AIDS, you can use following these strategies. Use treatment and prevention, use forced exposure, use a new condom every time you have sex, tell your sexual partner if you have HIV, use a clean needle. Symbol for solidarity with HIV positive people and those living with dreams of BSC. Last year Corona Awareness Program bhi online platform pe organized kiya gaya tha. अंत में बस इतना है कहना, घर में रहिए और कोरोना जैसी कई महामारियों से हम लड़ विजयी हो जाएंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। आतंकवादी कोरोना, कोरोना बाबू मुस्कुरा, चोरी चोरी हर देश में बंद कर डाला लोगों का आना जाना विदेश में, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है। The world is facing about the words made by a corona warriors. Doctors keep themselves exposing in danger in order to protect us all. So let's be kind to one another and stop violence against doctors. Thank you, Jai. कुछ पुलिस कर्मी जो हमारे लिए सड़कों पर खड़े हैं और कुछ हमारे गली मोहल्लों में जो देश पर कुर्बान होने के लिए आज भी बाहर निकले हमारे लिए अपनी जान पर खेल कर, कुछ ऐसे हर व्यक्ति को मैं सब सब नमन करती हूँ। कोरोना जैसी महामारियों से दूर रहे हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। अपने घर में याद करें, कोरोना वायरस को सुरक्षित।
हम लोग अपने पापों को घर में कोरोना भी भूल जाए हम इसलिए योगा डे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मनाया गया था दिस ईयर 21 जून। अबव 70 मेंबर्स जुड़े थे इस वेबिनार में। योगा गुरु सिद्धार्थ राय जी का डेमोंस्ट्रेशन था इसमें, उन्होंने योग कराया था टीचर्स विद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं स्पोर्ट्स सेल की कोऑर्डिनेटर अनु सिंह जी को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू मैम। खेल कूद का करो विचार, यह देता है स्वस्थ जीवन का अधिकार। खेल कूद द्वारा होता है स्वास्थ्य का निर्माण। जरूरी है खेल, क्योंकि स्वास्थ्य है जीवन का प्राण। स्मार्टफोन को स्वयं से दूर करो, खेल कूद को जीवन में जरूर करो। इसी के साथ मैं डॉक्टर अनु सिंह, कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स क्लब, एक बार पुनः सभी संकाय अध्यक्ष, सभी शिक्षकों का तथा अपने नए छात्राओं का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। खेल जीवन के लिए जरूरी है, ये सब आप जानते हैं। और बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो मुझे और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो बिना पैसे के, है ना, व्यायाम द्वारा, दौड़कर, किसी भी तरीके से खेल के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जितना पढ़ाई जरूरी है उससे ज्यादा, उतना ही बराबर जो है वो खेल कूद भी जरूरी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि स्मार्टफोन से दूर रहिए और खेल कूद को अपना एक जरूर रखिए अपने जीवन का। मेरे क्लब के बहुत सारे सदस्य हैं। पहले मैं अपने सदस्यों का आपसे परिचय करवा दूं और उसके बाद मैं आपको अपने क्लब में, क्लब से संबंधित जो भी जानकारी है विस्तृत रूप में वो मैं आपको दूंगी। तो हमारे स्पोर्ट्स क्लब में सबसे पहले सारे सदस्यों को सारे एक बार उसके लिए आइए तो बताते हैं। हमारे स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स में सबसे पहले हैं हमारी वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर स्मिता शुक्ला, उसके बाद है डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर गीतिका मिश्रा, डॉक्टर गुलशन मचलर, डॉक्टर सरगम सिंह, डॉक्टर वंदना सिंह, मिस्टर मेहताब आलम, मिस्टर आलोक सिंह, ये हमारे सारे मेंबर्स हैं। देखिए, किसी भी काम को जब तक टीम वर्क नहीं होता है, खेल तो हमें क्या करता है, खेल हमें टीम वर्क सिखाता है, खेल जो है हमें टीम वर्क सिखाता है। अब मैं सबसे पहले सौम्य, फोटोज क्लिक कर लो पहले, हमारे बीच गेस्ट आ चुके हैं। मैं डॉक्टर स्मिता शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ
हमारे गेस्ट एकेडमिक डायरेक्टर्स मिसेस शिबाना खान, डॉक्टर ए एम सक्सेना कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी इन द प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ कैरियर कॉन्वेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज। गुड मॉर्निंग सक्सेना सर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, मिसेस शबाना खान एकेडमिक डायरेक्टर करियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आवर प्रिंसिपल सर। आई डॉक्टर रितु सक्सेना फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वेलकम यू ऑल इन दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल सर टू वेलकम Saxena sir by presenting a flower bouquet. I would like sir to present him a memento. Now I would like to request our principal sir to present a flower bouquet to Mrs. Shabana Khan, Academic Director, Career Group of Institutions. To begin with, let me make you aware about the establishment of Career Group. Career Convent Girls College is managed by the Career Convent Educational and Charitable Trust, which is registered under Indian Trust Act 1882. The success of Career Convent College served as an inspiration to the dream conceived by our founder director, Mrs. Haseena Azmat, to establish an institute exclusively for girls in order to uplift the girl child. Her dream transformed into reality on 16th April 2001 as the school began its first session. So as controller sir is in the middle of our orientation program and he is short of time, so as he needs no introduction, he is a renowned professor from Department of Zoology, himself an alumni from University of Lucknow, held several responsibilities in the university. Various examinations are being conducted under his supervision and most important, B.Ed exam was conducted offline in the whole state of UP under his supervision during the pandemic of COVID-19. In addition to it, sir had a number of notable accomplishments endowed with various awards and accolades, honored with Lifetime Achievement Award, and he had collaborated in various foreign projects and most important, he has always blessed our college with his kind support. Thanks, sir, for that. I would like to invite sir to say a few words and grace this program. Very good morning, everybody. Good morning, sir. First of all, I am thankful to the principal of this college, Dr. Deepak Srivastava ji, who invite me to interact with the newcomers students, particularly. और आप लोगों इस कॉलेज से तो मेरा काफी पुराना आना जाना भी रहा है. स्मिता जी मैडम इसके साक्षी हैं क्योंकि मैंने कई प्रैक्टिकल्स भी यहाँ कराए
और जो हमारा अनुभव हमको इस कॉलेज का मिला बहुत अच्छा है। उन बच्चों के लिए विशेष रूप से जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनको इस कॉलेज में अपनी हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन जो आपने प्रवेश लिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका स्वागत भी करता हूँ। अब स्वागत वर्ड जो मैंने बोला है, इसमें आपको थोड़ा लग रहा होगा आप तो यूनिवर्सिटी से आए हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, हमारा स्वागत इस कॉलेज के टीचर को करना चाहिए। लेकिन ये सोचिए, ये हमारा कॉलेज प्रेस्टिजियस कॉलेज करियर कॉन्वेंट, ये एक हमारी यूनिवर्सिटी का अभिन्न अंग है। ये भी जब कॉलेज हमारा अभिन्न अंग है तो हमारे बच्चे भी हमारे पार्ट हुए, तो आप लोग लकी हैं इन द सेंस कि इस साल से हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके लिए विशेष रूप से जो बच्चे इस साल एडमिशन लिए वो सोच रहे हैं, उनको एक इस चीज़ का अनुभव रहेगा कि हमारे समय में ये NEP जो न्यू एजुकेशन NEP स्टार्ट हुआ था। NEP एक्चुअली है क्या? अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस और जो चीज़ होती थी वो कंप्लीट करते थे हम लोग कितने 6 semesters में, 3 years में, और बच्चे 3 साल में करके अपना ग्रेजुएशन चले जाते थे। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है और ये अब आपका 4 years का कोर्स हो गया है, इनकी 8 semesters। इन 8 semesters में आपको अपना थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कुछ वोकेशनल कुछ कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपके कोर्स में ऐड कर दी गई हैं जो कि क्रेडिटिव है। आपका वो क्रेडिट आपके कोर्सेज में जुड़ेगा भी, कुछ सेमिस्टर्स में कुछ में नहीं, इसी तरह से PG में भी लागू किया गया है। तो ये समझिए कि ये जो सिस्टम लाया गया है ये आपका चौमुखी विकास, जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है उसका विकास बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि खाली एजुकेशन के लिए ही नहीं, वो अपना एक विकास का मतलब ये है कि वो कुछ कोर्सेज ऐसे भी रखे गए हैं उनमें कि वो अगर नहीं पढ़ने की स्थिति में है तो अपना रोजगार या कोई जॉब ढूंढ सके। जैसे फॉर पीजी कोर्स में क्या सिस्टम किया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जैसे पढ़ने के लिए आए MSc बायोकेमिस्ट्री का बच्चा मान लो कोई है, तो उसको मौका दिया गया है कि वो 1 साल यानी कि 2 semesters पास करे, और अगर वो चाहे कि हमें बस अभी यहाँ पर MSc ब्रेक करना है और हम कोई डिप्लोमा कोई कोर्स और करना चाह रहे हैं तो उसको छूट दी गई है उसमें कि वो 1st semester 2nd semester में कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए उसको उस स्टेज पर डिप्लोमा इन द सब्जेक्ट जो भी है, सपोज बायोकेमिस्ट्री, तो डिप्लोमा इन बायोकेमिस्ट्री उसको देकर के वो बच्चा चला जाएगा और उसको 3 साल का मौका रहेगा कि वो पुनः वापस आकर के फिर से अपना PG कोर्स के 2 जो सेमेस्टर बचे हैं उनको पूरा कर सके। तो आप इस तरह से सोचिए कि ये एजुकेशन पॉलिसी हमें लगता है कि बच्चों के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए वो हर डायरेक्शन में सोच सकता है, बाउंडेशन नहीं है उसके पास। तो इसके लिए आप पर्टिकुलरली जो नए न्यू कमर्स हैं तो वो उनके लिए ये सुविधा दी गई है, तो ये इसलिए ये बस आप लोगों के लिए विशेष रूप से जो नए बच्चे आए हैं उनको ये एक मौका दिया गया है। जहाँ तक अब चूंकि आप लोग जो नए बच्चे हैं उनके लिए कहूँगा कि अभी आप इंटर पास करके आए, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब बच्चा इंटर पास करके और जब हायर एजुकेशन में आता है तो बहुत सारे परिवर्तन तुमको देखेंगे यार। आपका एजुकेशन पढ़ने का तरीका, एजुकेशन सिस्टम, सब चीज़ चेंज होती है। कई बच्चे गांव के परिवेश से भी आते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के होते हैं, तो ये सब चीज़ को देखते हुए आपको मेहनत करनी होगी, सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि टीचर्स को हमें मालूम है ये हमारा एस्टेब्लिश कॉलेज है, टीचर्स मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल्स आपको जो मिले हुए हैं ये भी बहुत कर्मठ और मेहनती आदमी हैं सर, तो हमें लगता है कि आपको उस तरफ से कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, हम 4 या 5 पॉइंट बताएंगे इसके बाद आप बात खत्म करेंगे। इनमें
सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपके इस नए स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि पहला पॉइंट है कि रेगुलर इन क्लास। आप अगर अपने क्लास में रेगुलर नहीं रहते हैं, आज ये हो गया, कल इसलिए नहीं आए, परसों इसलिए नहीं आए, तो वो क्या होता है, एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक टीचर जो पढ़ा रहा है, उसकी जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक सीरियल पढ़ रहा है बच्चा, वो ब्रेक हो जाता है, फिर वो आप लाख पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। तो एक तो आपकी जो जो आपको ध्यान रखना है वो रेगुलरिटी इन द क्लास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चूँकि मैं ये भी यहाँ बता दूँ कि मैं भी इसी विश्वविद्यालय में मैंने BSc किया, MSc किया, PhD किया, और जॉब भी मेरे को यही मिला, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। और ये पक्का है कि ये चीज़ों को जो मैं बताऊँगा पॉइंट वाइज, इनको अगर फॉलो करेंगे आप ज़रूर अपने जीवन में सक्सेस आप पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो इंटरेक्शन विद द टीचर ऑफ द सब्जेक्ट। आप सपोज स्मिता मैडम के क्लास में जूलॉजी पढ़ रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, यहाँ पर दोनों का अपना कर्तव्य ये है कि स्टूडेंट्स का मैडम को ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव के परिवेश से आते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, उन सबको लेते हुए ये हमारा फर्ज है, टीचर का फर्ज है कि उन सबको समावेश करते हुए उनको पढ़ाएं। अब बच्चों का क्या कर्तव्य है, अब तो समझ में आया होगा आपको कि आपको इंटरेक्शन करना है। अगर कोई चीज, जैसे सपोज हिंदी मीडियम का बच्चा है और इंग्लिश में पढ़ा दिया मैडम ने कोई टर्म, तो आप उसमें, आपको अपने टीचर से उसी समय क्लास के बाद, नॉट इन द क्लास, कभी भी क्लास में डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, आफ्टर क्लास मैडम के पास जाना, इंटरेक्शन करना, कोई भी टीचर हो, हम तो एक एग्जांपल लिया जूलॉजी का, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंटरेक्शन स्टूडेंट का होना चाहिए। तीसरा है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसी से जुड़ा हुआ, हेजिटेशन। हेजिटेशन जनरली बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है इस लेवल पर, यूजी लेवल पे, MSc में बच्चा आ जाता है, थोड़ा बोलना सीखता है और इंटरेक्ट करता है, तो हेजिटेशन में, मेरा कहने का मतलब है कोई चीज क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है बच्चे के, लेकिन बच्चा मीडियम सोच रहा है मैं हिंदी में पूछूंगा, शर्म आती है उसको, वो सोचता है सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोलूँ, पता नहीं टीचर क्या सोचे, डांटते हैं हमको, हो सकता है। तो ये हेजिटेशन एक तरह का नहीं होना चाहिए, आप पूछिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको कौन बताएगा, अगर आपने अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं किया, अपना हेजिटेशन दूर नहीं किया, तो फिर कोई और आगे आपको बताने वाला नहीं है। तो एक पॉइंट ये भी हेजिटेशन का है जो कि को रिलेट कर रहा है विद द इंटरेक्शन ऑफ द टीचर। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन। आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में सोच रहे हैं घर की बात, या अपने फ्रेंड्स के साथ हमें आज यहाँ जाना है, टीचर पढ़ाया जा रहा है आपको, तो कंसंट्रेशन, आप उस 30 मिनट या एक घंटे का क्लास अगर है, उसमें आपको कंसंट्रेट करना है अपने सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, आपको, आप किताब पढ़ते रहिए, टीचर जो पॉइंट बताता है आप फिर उसको रिवाइज करते हैं, तब पूरी, मतलब कह सकते हैं आपको नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड में होती है। तो कंसंट्रेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स और अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट। अब आप कहेंगे इससे एजुकेशन से क्या मतलब, इससे क्लास से क्या मतलब है, इससे है, आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट करेंगे डेफिनेटली, मैं कहता हूं कि वो बच्चा जो अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करता है, वो हर टीचर की नज़र में रहेगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, उसका फायदा उसको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको, अगर आप फॉलो करेंगे अपनी जिंदगी में,
तो आप जरूर सक्सेस होंगे, जैसा कि ये अनुभव मेरा है। लास्ट में मैं पुनः आप सभी छात्रों को अपने हायर एजुकेशन स्टडी के लिए यहाँ पर आए बधाई देता हूँ, तथा उम्मीद करता हूँ कि इस कॉलेज के एक्सपीरियंस टीचर्स एवं मेहनती, कर्मठ और हेल्पफुल प्रिंसिपल प्रधानाचार्य आपके डॉक्टर श्रीवास्तव जी, उन सबको के मार्गदर्शन में आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे और 100% सक्सेस पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्त को विराम देता हूँ।